नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे खूबसूरत इंडोर डेकोरेटिव प्लांट्स के बारे में बताऊंगा जिनको आप अपनी बालकनी में ऐड कर लेते हैं तो ये आपके गार्डन में बहुत ही सुंदर लुक प्रोवाइड करेंगे। और इनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो एयर को प्यूरीफाई भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वन बाय वन सभी प्लांट्स दिखाता हूँ। और यदि आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस लिस्ट में पहला पौधा है एरोकेरिया, जिसको हम क्रिसमस ट्री के नाम से भी जानते हैं। इसके सिमेट्रिकल पत्तों की वजह से ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। मैं इसके दो छोटे पौधे लेके आया हूँ और ये पौधे मुझे 100-100 रुपए के हिसाब से मिले हैं। इंडोर में जब इस प्लांट को गमले में लगा लिया जाता है तो इसकी धीरे धीरे ग्रोथ होती है, और मीडियम साइज़ के गमले में एक बार जब हम इसको लगा लेते हैं तो इसकी बार बार रिपोर्टिंग भी नहीं करनी पड़ती। यदि इस प्लांट की अच्छी केयर की जाए तो इस प्लांट के पत्ते हमेशा हरे भरे और चमकदार बने रहते हैं और इसके पत्ते कभी भी नहीं गिरते। ये बड़ा पौधा देखिए, इस पौधे को मैंने 3 साल पहले लगाया था और जब मैंने इसको लगाया तो इसकी हाइट 1 फीट से भी कम थी। अब इस पौधे की हाइट 3 फीट के आसपास हो गई है। दूसरे नंबर पर जो प्लांट है उसका नाम है अरेका पाम। अरेका पाम भी बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाला पौधा होता है और ये एयर को प्यूरीफाई भी करता है। इस पौधे का प्रोपेगेशन बहुत ही आसान होता है। जब हम एक बार इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद इसकी मेन स्टेम के साइड से नए नए पौधे निकलते रहते हैं और इस प्रकार ये पौधा घना बन जाता है। बरसात के सीजन में आप इस प्लांट को डिवाइड करके नए नए गमलों में लगा सकते हैं और इस प्रकार एक पौधे से आप कई पौधे बना सकते हैं। इसके पत्तों को हरा भरा रखने के लिए अब गर्मी के मौसम में आप इसके पत्तों पर पानी का छिड़काव करें। सुबह और शाम दोनों टाइम इसके पत्तों पर पानी का छिड़काव किया जाए तो इसके पत्ते हरे भरे बने रहेंगे। तीसरे नंबर पर जो प्लांट है उसका नाम है डेफनबेकिया, जिसको हम डम्ब केन के नाम से भी जानते हैं। इसके पत्तों का कलर वेरिएशन देखिए, ये हमारे गार्डन में बहुत ही सुंदर लुक प्रोवाइड करते हैं और इन पौधों का प्रोपेगेशन भी बहुत आसान होता है। इनकी कटिंग से एक पौधे से कई पौधे बनाए जा सकते हैं। ये पौधा कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। मैंने इसकी मेन स्टेम को काट कर लगा दिया था और इसके दो नए पत्ते निकल आए हैं और इस मेन स्टेम से मैंने काटा था और अब देखिए इसमें 2-3 नए कोपल निकल आई हैं। इस प्रकार ये पौधा भी तैयार हो जाएगा। चौथे नंबर पर जो प्लांट है उसका नाम है एग्लोनीमा। एग्लोनीमा की कई वेराइटीज़ आती हैं और सभी वेराइटीज़ बहुत ही सुंदर होती हैं। मेरे पास ये लिपस्टिक एग्लोनीमा वाली वेराइटी है और ये प्लांट नर्सरी में बहुत महंगा मिलता है। ये प्लांट मैं 200 रुपये में लाया था। एग्लोनीमा के प्लांट्स एयर को प्यूरीफाई करते हैं और इनकी ग्रोथ धीरे धीरे होती है। ये प्लांट 1 साल पुराना है, देखिए अभी भी ये छोटा प्लांट है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है मनी प्लांट। मनी प्लांट बहुत ही आसानी से लगाई जा सकती है और इनका प्रोपेगेशन कई प्रकार से होता है। आप इनकी कटिंग्स को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और डायरेक्ट मिट्टी में भी इनकी कटिंग लगाई जा सकती है। इसके पत्तों के नीचे लीफ नोड होती है और हर एक लीफ नोड के नीचे से जड़ निकलती रहती है। इस प्रकार आप इनकी लीफ नोड को मिट्टी में दबा देते हैं तो उनमें रूटिंग शुरू हो जाती है। इनके पत्तों के कलर और साइज़ के हिसाब से इनकी कई वेराइटीज़ होती हैं। मेरे पास इनकी 2 वेराइटीज़ हैं। यदि आप इसके पत्तों का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो इसके पत्तों के नीचे निकलने वाली लीफ नोड को सहारा दीजिए। इसके लिए आप मोस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसको किसी पेड़ या दीवार के सहारे लगा सकते हैं। 6वें नंबर पर है एलोकेशिया कुकुलाटा। एलोकेशिया फैमिली अपने बड़े बड़े साइज़ के पत्तों के कारण पॉपुलर है। इस वैरायटी के पत्ते भी बहुत बड़े साइज़ के हो जाते हैं, मगर अब इतनी तेज़ धूप और गर्मी पड़ती है जिसके कारण इसके पत्तों का साइज छोटा हो गया है और आप देख पा रहे होंगे इनके पत्तों की टिप ब्राउन और येलो हो गई है। बरसात के मौसम में इसके पत्तों का साइज़ बढ़ जाएगा और इसके पत्ते हरे भरे और चमकदार बन जाएंगे। 7वें नंबर पर जो प्लांट है जिसको आप अपनी इनडोर बालकनी में ऐड कर सकते हैं उसका नाम है क्रोटोन। क्रोटोन की कई वेराइटीज़ होती हैं और सभी वेराइटीज़ बहुत ही सुंदर होती हैं। इस वेराइटी का नाम है गोल्डन डस्ट क्रोटोन। आप देखिए कितना सुंदर पौधा है। बरसात के मौसम में इन पौधों की कटिंग लगाई जा सकती है और इस प्रकार इनके पौधों की संख्या बढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास इनका बड़ा पौधा है तो आप इनकी एयर लेयरिंग करके भी नए पौधे तैयार कर सकते हैं।
जब आप इनकी कटिंग लगाते हैं तो इनमें रूटिंग हार्मोन का उपयोग करना पड़ेगा। आप इनकी कटिंग को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इन पौधों को हेल्दी रखने के लिए आप इनको अधिक सनलाइट प्रोवाइड करें। इंडोर ऐसी लोकेशन में रखिए जहाँ पे फिल्टर्ड सनलाइट इन पौधों पर गिरती रहे। जितनी फिल्टर्ड सनलाइट इन पौधों को मिलेगी उतने ही इनके पत्तों का कलर वेरिएशन निखर कर आएगा। आठवें नंबर पर है कैलेशिया फ्रेग्रेंस, जिसको हम बास्केट प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसको चेन प्लांट भी बोला जाता है। हैंगिंग बास्केट में लगाने पर यह पौधा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मैंने भी इसका एक पौधा हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है। ये देखिए कितना सुंदर पौधा है। इसकी ब्रांचेज अलग अलग डायरेक्शन में चेन की तरह फैलती हैं, इसीलिए ये पौधा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस पौधे की कटिंग भी आसानी से लग जाती है। इसकी छोटी सी ब्रांच भी लगाई जाए तो उसमें रूटिंग शुरू हो जाती है और एक बड़ा पौधा बन जाता है। नौवें नंबर पर है पीस लिली। ये एक बहुत ही सुंदर एयर प्योरीफाइंग प्लांट होता है। इस प्लांट को भी इंडोर ग्रो किया जाता है, मगर अब मई जून की तेज़ धूप और गर्मी में इंडोर बंद लोकेशन में रखने पर यह पौधा सूखने लगता है और इसके पत्ते पीले होने लगते हैं। अब मैंने इस प्लांट को खुली हवादार लोकेशन में रख दिया है और इस प्लांट को मैंने एक बड़े पेड़ के नीचे रख दिया है जहाँ फिल्टर्ड सनलाइट इस पौधे पर गिरती है। अब देखिए इसकी लोकेशन चेंज करने के बाद इस पौधे के नीचे से नई नई ब्रांचेज निकलना शुरू हो गई हैं। यदि आपके पास भी ये पौधा है और उसके पत्ते पीले हो रहे हैं तो आप उस पौधे को खुले हवादार लोकेशन में रख दीजिए। पीस लिली प्लांट को हल्की सनलाइट भी पसंद होती है और कई बार हम इस पौधे को टोटली इंडोर रख देते हैं जिसके कारण ये पौधा सूख जाता है, इसलिए आप इसकी लोकेशन का विशेष ध्यान रखें। लास्ट में दसवें नंबर पर जो प्लांट है जिसको आप इंडोर अपनी बालकनी में लगा सकते हैं वो है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये देखिए कितना सुंदर पौधा है। इसके पत्तों का कलर वेरिएशन देखिए। इसके सुंदर पत्तों के कारण ही इस प्लांट को इंडोर डेकोरेटिव प्लांट के रूप में लगाया जाता है। इस प्लांट को भी इनडायरेक्ट ब्राइट फिल्टर्ड सनलाइट चाहिए। यदि आप इसके पत्तों को कलरफुल बनाए रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसी लोकेशन प्रोवाइड कीजिए जहां हल्की सनलाइट इस पौधे पर गिरती रहे। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।